खंड माना गया है। सत्संग सुनते सुनते हमने निद्रा धारण किया और जब जगे तब तक हम सत्संग में ही थे, ऐसी मान्यता है और होनी भी चाहिए क्योंकि तारतम्यता टूटती नहीं। तुम खुद देखना, बिस्तर पर सोने से पहले जिस चीज की चिंता करोगे सुबह भी उसी चिंता में उठना पड़ता है। तो वो समय सत्संग का है और सत्संग की महिमा तो मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें बताया था। भगवान शंकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर राम जी के सामने कह रहे हैं, बार बार बर मांगू हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। बार बार बर मांगो, ये बर कौन मांग रहा है? आदि शिव, सनातन शिव, सबसे पुराना शिव, क्योंकि कृष्ण के जन्म में भी जटाधारी बाबा शिव आया है, राम के जन्म में भी शिव आया है, इससे तो साबित होता है शिव बड़ा पुराना है, आदि है। वह आदि शिव भी भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर, श्री रंग का अर्थ है वो परम सत्ता परमात्मा श्री कृष्ण राम, श्री रंग, और हाथ जोड़कर शिव आराधना करते। किस चीज की कमी है शिव के पास? आशुतोष औगढ़ दानी, वो खुद ही आशुतोष है और कहते हैं भोले बाबा जिसने जो मांगा उसको वो दिया, उन्होंने अपने किसी भक्त को निराश नहीं किया, पर आज हाथ जोड़कर श्रीरंग के सामने खड़े। मैंने सबको बहुत कुछ दिया पर मुझे भी एक चीज चाहिए, वो दे दो। और तब भगवान श्रीरंग के नेत्रों में अश्रु जल है, हे भोलेनाथ तुम्हें क्या चाहिए? और तब पद गाते हुए मात्र यही दो शब्द दो लाइन शिव ने कहे, बार बार बर मांगू हर सिदेहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। बाकी सब कहा भक्ति दे दो, वन टाइम का सौदा है, एक बार ले लिया तो हो गया। अब घर रोज थोड़ी बनाया जाता है, एक बार बन गया तो परिवार के परिवार निकल गए उसी में, ये रोज का सौदा थोड़ी है। पर आटा तो रोज ही लेना पड़ेगा, दो दिन दस दिन के बाद लेना ही पड़ेगा, स्नान तो डेली करना पड़ेगा। तो भक्ति को कहा एक बार दे दो, दे दोगे तो काम बन जाएगा। पद सरोज अनपायनी, यहां भी अनपायन है, तुम्हारे जो पद के सरोज हैं, पद कमल हैं, सरोज का मतलब कमल है, पद सरोज अनपायनी, यहां अनपायनी का अर्थ भी है लगातार निरंतर। अपने पद सरोज को मुझसे दूर मत करना, प्रतिदिन मिलना चाहिए। और प्रतिदिन तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, शंकर जी ने तो कहा था हर क्षण प्राप्त होना चाहिए तुम्हारा ये पद सरोज। और भक्ति कहा ये वन टाइम सौदा है, इसे दे दो। और फिर कहा सदा सत्संग, सबसे अंतिम में सत्संग मांगा भगवान शंकर ने, और वो भी